वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड टुडे आज मेरी बेला का बर्थडे है। सो गाइज, यहाँ पे आप देख सकते हैं सब डेकोरेशन हो रही है। ये मेरी बड़ी बहन है जो यहाँ पे हैप्पी बर्थडे का वो जो कार रहता है ना वो लगा रही है गाइज। सो यहाँ पे आप देख ही सकते हैं बहुत ही ज़्यादा इजीली मैं आपको सब बर्थडे का करने बताऊँगी। और गाइज, ये एप्पल है, इसको जो बलून की स्मेल आती है ना वो पसंद नहीं आ रही थी, इसलिए इसको ऐसे ऐसे लोग मारते ना हवा से मार रही थी। गाइज, मैंने इनका कोई रिएक्शन ही नहीं है, कुछ है नहीं, बस देख रहे उधर। अब देखना भाई गाइज मैं क्या करूँगी, बस देखना यहाँ पर बता रही हूँ, अब देखना। यहाँ पे आपने देखा था मैंने क्या किया, एप्पल सिंबा थोड़ा सा ही डरे थे और यहाँ पे मैं सारे बलून उड़ा रही हूँ। गाइस, आप ये मत समझना कि सारे बलून मैं ही फुला रही हूँ, मेरी बड़ी बहन भी फुला रही है गाइस। और यहाँ पे मुझसे गाड़ी बांटने नहीं हो रहा, इसलिए मैंने अपनी बड़ी बहन को दिया था दो तीन बलून बांटने। गाइस, अभी देखना है बलून कैसे क्रैश होगा, एकदम से डर जाओगे गाइस। देखिए बस आप अपनी, मैं जैसे ही घट मारूंगी फिर आप देखना, मैं ऊपर से छोड़ूंगी मैंने। गाइस, अभी मैं डायरेक्ट आपको मिलूंगी नेक्स्ट डे पे। तो गाइस, फाइनली यहाँ पे शाम हो चुकी है और मैंने केक बनाने के लिए सारे इंग्रेडिएंट्स ले लिए हैं। तो सबसे पहले तो आप ग्रेवी ले ले, कोई सी भी ग्रेवी चलेगी, और उसके साथ ट्रीट, कोई सी भी ट्रीट चलेगी, कोई सी भी कंपनी की। और यहाँ पे मैं ग्रेवी बता रही हूँ आप लोग को, और यहाँ पे मैंने विस्कस निकाल के रखा था तो सिम्बा खाने लगा। तो यहाँ पे मैंने बॉक्स का ढक्कन बंद कर लिया है गाइस। अभी मैं डायरेक्ट आपको पूरी रेसिपी बता दूँगी। गाइस, यहाँ पे मैंने इंग्रेडिएंट्स डाल लिया है और मैं आपको आगे भी बता दूँगी। सो गाइस, यहाँ पे मैं केक बना रही हूँ और केक बनाने के लिए आपको लेना है एक प्योर पैट की ग्रेवी, आप कोई सी भी ग्रेवी ले सकते हैं, और फिश, और फिर विस्कस का ड्राई फ्रूट, और फिर यहाँ पे हम इसको ग्राइंड करेंगे, और आगे मैं यहाँ पे ग्राइंड कर रही हूँ उसको। यहाँ पे मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है और यहाँ पे मैं इसको उन लोग के बाउल जो रहता है उसमें निकाल रही हूँ गाइस। मैं सारे दम अच्छे से निकाल रही हूँ और यहाँ पे देख सकते हैं मैं निकाल रही हूँ, एकदम अच्छे से आपको निकालना है। और फिर अगर आपके उसमें थोड़ी सी ग्रेवी कम पड़ जाए तो आप ऊपर से और डाल सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी डाला है, मैं आपको बताऊँगी आगे। और आपको इसको गाढ़ा ही रखना है गाइस, ज़्यादा पतला नहीं करना है, ना तो फिर कैट्स को वॉमिट होगी, क्योंकि इसमें ज़्यादा फिश और वो सब मिल जाता है ना, इसलिए यहाँ पर मैंने उसको थोड़ा शेप दिया है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि अभी तो मैं इसको एक गाइस यहाँ पे मैंने बाउल में डाला है, और फिर बाद में इसका शेप बन के निकल चुका है। और मैंने इसको फ्रीजर में 5 to 10 minutes रखा था, और अगर आपका बड़ा केक है तो आप इसमें 10 minutes रखें आप फ्रीज़र में। और फिर बाद में यहाँ पे मैंने ट्रीट डाला है और पूरा आइसिंग कर लिया है गाइस मैंने अच्छे से, और यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा विस्कस से सजा दिया था। और यहाँ पे देख सकते हैं कितने अच्छा लग रहा है बेला को केक, बेला और बेला के छोटे छोटे बेबीज, खासकर एश्लीन बहुत शौक से खा रहे हैं लोग। अभी आपको तो ये पूरा खाते हुए दिखेंगे, और देख सकते हैं मिस्टी भी आ चुकी है, सब मिलके खा रहे हैं गाइस, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा है। और अभी सिम्बा भी आएगा गाइस, देख लेना गाइस आप। और एप्पल ऊपर बैठी थी और सूटकेस पे चढ़ के, इसलिए मैं आपको एप्पल को नहीं दिखा पाई, इसलिए सॉरी गाइस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने अच्छे से खा रहे हैं इन लोग को बहुत ज़्यादा पसंद है। सो गाइस, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई सो प्लीज़ गाइस लाइक कर दो, आप लाइक नहीं करते हो, बस वीडियो देख के चले जाते हो। सो गाइस, इस वीडियो पर मैं एम करती हूँ 20 likes, प्लीज़ गाइस कर दो। और अगर आपको मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। सो गाइस, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। और यहाँ पर मैं आपको आगे भी बताऊँगी, मेरा खाना भी आएगा आगे, हम लोग का खाना हम लोग सब ऑर्डर करेंगे, हम लोग होममेड में कुछ नहीं बनाएंगे, बस एक चिकन लेग पीस बनाएंगे, वो भी मेरी मॉम ने ही बनाया है।
सो गाइस यहाँ पे इन लोग खा रहे हैं, और गाइस आगे जाके मैंने भी ऑर्डर किया है गाइस, मैं भी आपको बताऊंगी इन लोग की पार्टी नहीं हो रही, हम लोग की भी तो होना चाहिए, इसलिए हम लोग ने भी ऑर्डर किए हैं गाइस बहुत सारी चीज़, और होममेड में हम लोग ने बस बनाया है चिकन लेग पीस। अब आप देखिए गाइस यहाँ पे, और यहाँ पे इन लोग तीनों एक साथ अपने आप को क्लीन कर रहे थे ग्रेवी खाने के बाद। सो गाइस यहाँ पे चिकन लेग पीस फ्राई हो रही है, और यहाँ पे सब निकाल रही हूँ मैं, सब सज रहा है, मतलब मैं नहीं मेरे मामजाद निकाल रहे हैं। और प्लीज़ मेरे खाला का चैनल है उनको भी सब्सक्राइब करो, उसका नाम है स्पेशल चाइल्ड स्पॉन्सर ट्रीन, प्लीज़ आप सब्सक्राइब करो, लिंक मैं आई बटन में भी दे दूँगी और डिस्क्रिप्शन में भी। और गाइस यहाँ पे देख सकते हैं आप, सब सज रहा है, देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अपनी वीडियो को ध्यान करती हूँ, सो प्लीज़ गाइस मेरी वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो के साथ शेयर करो, मैंने ये चीज़ एक और बार बोली, और आई एम उस्मा को भी सब्सक्राइब करो, वो मेरी सिस्टर का चैनल है। सो गाइस बाय बाय।